हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंडियन क्लासिकल फ्लूट में किस तरह से प्रॉपर ग्रिप ली जाती है, किस तरह से प्रॉपर पकड़ा जाता है फ्लूट को। जब भी हम डिफरेंट डिफरेंट सुर लेते हैं, डिफरेंट सुर बजाते हैं, जो उंगली उठती है तो किस तरह से हाथ की ग्रिप प्रॉपर हो सके, जबकि सारी उंगली हम उठा के जब भी म बजाते हैं स्पेशली, उसमें किस तरह से फिर हमें ग्रिप ली जाती है, ये ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट मैं शुरू करता हूँ द बेसिक ग्रिप, जो छः नोट्स होते हैं, छः होल, 1 2 3 4 5 6, दिस इज़ अ 6 होल्स, इज़ अ नोटेशंस के होल है, और एक एक्स्ट्रा होल होता है ये साइड में, उसको हमें नहीं बंद करना है। फिलहाल हम ये छः होल पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो ये किस तरह पकड़े जाते हैं, आप नोट कर रहे हैं कि ये 3 1 2 3 सिमिलर डिस्टेंस है, बाद में दूसरे जो 3 है 1 2 और 3, तो इसमें ये 2 नोट से 2 पास है और एक दूर है, तो ये प्रॉपर नोटेशंस के लिए डिस्टेंस रखा जाता है, प्रॉपर सरगम बजे उसके लिए। तो इसका हमें फ़ायदा उठाना है कि यहाँ पर गैप ज़्यादा है, तो हमें यहाँ पर ग्रिप लेनी है एक इस तरह से, विथ योर राइट हैंड मिडिल फिंगर यहाँ पे रहेगी, ठीक है, जब भी सारी नोट्स उठेगी, और अंगूठा नीचे रहेगा यहाँ पे, ये यहाँ पे, और फिर ये अंगूठा यहाँ रहेगा, और समझो ये ग्रिप हो गई, ये दोनों अंगूठा नीचे आ गया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यह ठीक है। सो अभी ध्यान दीजिए, ये मिडिल फिंगर यहाँ पे रही, जब भी हम म बजाते हैं वहाँ से शुरू करेंगे कि जो सारी उंगली उठती है, तो ये मेरा लिटिल फिंगर जो है वो यहाँ पे रेस्ट कर रहा है, और ये मैंने म बजाया तीव्र म। तो अभी मैं सारी नोट्स बंद करके एक बार पूरा बजाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, मेरा ग्रिप अभी लिटिल फिंगर फ्री है, थंब फिक्स है दोनों, किस द ब्लोइंग होल, रोल इट डाउन एंड तो जैसे मैंने ये उंगली उठाई तो ये इधर होल्ड हो जाना चाहिए, तो जैसे मैंने ये 2 उठाई तो ये मेरा लिटिल फिंगर रेस्ट हो जाना चाहिए, सो दैट इज़ अ 15 नोट्स। अब काउंट करेंगे तो ये टोटल 15 नोट्स है आरोह, और सेम 15 नोट्स अवरोह, दोनों ही बजा दिखाता हूँ। नाउ रिवर्स अवरोह, ट्राई, ऑल द बेस्ट।